हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? ओके आकांक्षा, आवाज आई आपकी। खैर, तो यही मैं बता रहा था कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये चार सब्जेक्ट हैं, MCO 1, 4, 5, 21। सेकंड सेमेस्टर में MCO 22, 23, 24 और 6। थर्ड सेमेस्टर में IBO 2, MCO 3, MCO 7 और MCO 15। फोर्थ में IBO 1 और IBO 6। ये टोटल जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो है एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। हालांकि वो बाद की बात है, बट वो भी करना होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान ध्यान में रखिए। और स्टडी सेंटर में जब भी विजिट कीजिए, जब भी मौका मिले वहां जाने का, असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, तो वहां जाकर के पक्का बात कीजिए कि सर प्रोजेक्ट वर्क का हमारा क्या करना है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें क्या कोई कोई प्रोफेसर असाइन किए जाएंगे, या किसी भी टॉपिक पे हमें बस बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। मुझे जहां तक आइडिया है, जो मैंने पढ़ा है, आपको जो है कोई ना कोई प्रोफेसर जो है गाइड के तौर पे मिलेगा, जो कि आपको गाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट को बनाना किस तरीके से है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन राइटिंग, यू नो, प्रोजेक्ट वर्क कैसे लिखना है एंड ऑल, तो वो मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है? तो ये सारे पेपर्स हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, MCO 1 के टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं, तो आपको इस वाले ये जो हाइपरलिंक आ रहा है नाम के ऊपर, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो है पूरा का पूरा एक वेब पेज खुल जाएगा, जहां पे आप आराम से स्टडी अपना कर सकते हैं। यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे आंसर्स जो है क्वेश्चंस की लगा रखी हैं, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है? सो दैट्स इट, आज का यस टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। यस यस तो आज का टॉपिक हमारा MCO 6 है, काफी कॉमन टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2022 में भी पूछा गया था। सो क्वेश्चन इज अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। हम लोगों ने पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में ऑलरेडी, बट यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके यस से करना होगा। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, माइक्रो होता है और मैक्रो होता है। एक्सप्लेन देयर इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केटिंग प्रोसेस। जो हम लोगों ने पढ़ा था तकरीबन वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरे दूसरे अप्रोच के साथ इसको करना होगा, बट है तकरीबन वही, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हाँ हैं। हाँ हाँ सो माइक्रो एंड ओके मैक्रो एनवायरनमेंट्स आर टू एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट ईच ऑफ देम एंड हाउ दे इंपैक्ट मार्केटिंग। इसको मैं बता नहीं रहा। पहला पॉइंट है माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वो छोटा एनवायरनमेंट, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है ना? तो वो छोटा एनवायरनमेंट जो कि जी बिजनेस के आसपास होता है, और बिजनेस की एक्टिविटीज को या फिर बिजनेस की मार्केटिंग जो एक्टिविटीज है, प्रोसेस है, उसको इन्फ्लुएंस करता है समहाउ, उसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट बोलेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। देखो, इसमें कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा है जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाई डूइंग वेरियस थिंग्स यू कैन कंट्रोल देम। सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, पब्लिक्स हैं, पब्लिक होना चाहिए, खैर कोई नहीं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये सारी चीजें जो है ये माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जिसको आप एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो आपने पेस्टल, मैंने आपको पहले बताया था, पेस्टल ही होगा यहाँ पे। मैक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल ही होगा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोला गया है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, है ना, सोशल एंड कल्चरल और राइट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो पेस्टल ही है, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा है, बट है वही, ठीक है? तो चलिए फिर माइक्रो कर लेते हैं। नाउ द माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इंटरनल इंटरनल फैक्टर्स एंड इमीडिएट एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली अफेक्ट अ कंपनीज मार्केटिंग एक्टिविटीज, है ना? तो माइक्रो एनवायरनमेंट एक तरीके का इंटरनल फैक्टर होता है, या फिर इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिसको कंपनी जो कि कंपनी के काम काज को, उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्टली इंफ्लुएंस करता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाएगी, उसके वजह से अगर कुछ आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस होगा, तो वह इनडायरेक्टली होगा, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट तो सबके लिए तो पॉलिसीज बना रही है, उसमें आपका बिजनेस जो है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके लिए बेहतरी हो रही है, तो वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और वो इनडायरेक्टली करता है। बट ये जो चीजें हैं, ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपका कस्टमर आपके किसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, तो आपको आपकी कंपनी को डायरेक्टली उसका नुकसान होगा, ठीक है ना? सप्लायर अगर आपको सप्लाई नहीं करता रॉ मटेरियल, तो आप प्रोडक्ट को बना नहीं पाएंगे, तो उस नुकसान आपको डायरेक्टली होगा। वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेक होल्डर। इसमें क्या क्या होता है? स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर एंड एलिमेंट्स दैट हैव अ क्लोज एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की, अभी जो मैंने बताया है,
तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इमिडिएट होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा कस्टमर्स में, सप्लायर्स में या कॉम्पिटिटर्स में, तो उसका तुरंत असर जो है आपके बिजनेस के ऊपर देखने को मिलेगा। द की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट इंक्लूड क्या क्या है? सबसे पहले है कस्टमर्स। नाउ द कस्टमर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। कस्टमर जो है किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन में होते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा तो आपका बिजनेस ऐसे भी फेल हो जाने वाला है, राइट? तो कस्टमर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी नीड्स को समझना, उनकी प्रेफरेंस को समझना, उनकी बाइंग हैबिट्स को समझना बहुत जरूरी है। वही बात बोली गई है, देयर नीड्स, देयर प्रेफरेंस, देयर बाइंग बिहेवियर शेप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रेडी करते हैं। जब हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को साड़ियाँ पहनना पसंद है, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट में साड़ियों में डिफरेंट वेराइटीज लाने की कोशिश करते हैं, ना कि हम लोग मॉडर्न ड्रेसेस लेकर के आते हैं। तो जो भी बाइंग बिहेवियर होगा, जो भी बाइंग नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रेडी करनी होती है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड बाइंग पैटर्न इज अ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। उसी बात को बोला गया है डिफरेंट वर्ड्स के साथ, ठीक है ना? तो ये पॉइंट है। दूसरा है सप्लायर्स। नाउ सप्लायर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सप्लायर ही आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जिसको आप प्रोडक्ट को तैयार करके और उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं। तो सप्लायर का इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है किसी भी बिजनेस में, ठीक है? सप्लायर्स प्रोवाइड द नेसेसरी इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? ये सारी चीजें जो है सप्लायर प्रोवाइड करेक्ट करता है। देयर रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट द मार्केटिंग प्रोसेस, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग एंड डिलीवरी, है ना? तो इनका जो रिलायबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट का, उसका जो है मार्केटिंग प्रोसेस के ऊपर डायरेक्टली इसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग ज्यादा दाम में आपको सामान को डिलीवर करेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस अगर ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर वो लोग रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। प्राइसिंग के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो है सप्लायर्स का असर पड़ता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। तो किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मैं अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, तो हो सकता है कोई और कंपनी हो जो कि सेम मेरे तरह के प्रोडक्ट को ही बना रही हो, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो किस तरह के स्टेप्स ले रहा है, उसके ऊपर भी आपका नजर होना बहुत ही जरूरी है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी। वही बात यहाँ पे बोली गई है, कॉम्पिटिटर्स आर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द सेम टारगेट मार्केट, है ना? वही बात है, सेम टारगेट मार्केट में वो लोग सेम तरह का ऑफर जो है प्रोडक्ट जो है ऑफर करते हैं, तो उसके लिए आपके आपके लिए जो है कंपटीशन वहां पे बढ़ता है। स्टडीइंग कॉम्पिटिटर्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड। अब जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक तरीके से स्टडी करेंगे, तो आपको जो मार्केट ट्रेंड है उसके बारे में पता चलेगा, जो आपकी पोजिशनिंग है स्ट्रेटेजीज की उसके बारे में आपको पता चलेगा, जो आपका डिसीजन है कि प्राइस क्या होना चाहिए, 100 रुपए होना चाहिए, 150 रुपए होना चाहिए, 200 रुपए होना चाहिए, उसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो कॉम्पिटिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेनेवर यू आर मेकिंग स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और बिजनेस, ठीक है? एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। डी नंबर पॉइंट है इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से निकाल करके मार्केट में लेकर के जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को बनाएगी, फिर मार्केट में लेकर के जाएगी, मार्केट में बेचेगी, ऐसा तो होता नहीं है। प्रोडक्ट को बनाती ही कंपनी, वो अपने डिफरेंट लोगों से बात करती है, अपने होलसेलर से बात करती है, उनको प्रोवाइड करती है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर उसको आम पब्लिक को बेचता है। तो ये जो बीच के लोग होगा, इनको हम लोग इंटरमीडियरीज बोलते हैं, ठीक है ना? सो इंटरमीडियरीज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स एंड अदर चैनल्स दैट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, है ना? वही बात है। कोलैबोरेटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद इंटरमीडियरीज आर क्रूशियल फॉर इफिशियंट मार्केटिंग एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट रिसर्च द इंटेंडेड कस्टमर्स। प्रोडक्ट रीच जो है अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है, एफिशिएंट मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको अपना एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना पड़ेगा इंटरमीडियरीज के साथ, क्योंकि अगर इन सब में से किसी के साथ भी आपका लफड़ा होता है, तो आपका सामान जो है वो आपके मार्केट में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे आपके बिजनेस को, वो लोग किसी और कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करने लगेंगे। तो आपने इंटरमीडियरीज को खुश रखना, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नाउ पब्लिक्स है, पब्लिक्स के बारे में बोला गया, पब्लिक्स रेफर टू एनी ग्रुप और इंडिविजुअल दैट हैज एन इंटरेस्ट और इम्पैक्ट इन द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, है ना? तो पब्लिक एक तरीके से ग्रुप को बोला जा रहा है या इंडिविजुअल को बोला जा रहा है, जिसका इंटरेस्ट जो है कंपनी के फेवर में होना इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो उसको पसंद आने इंपॉर्टेंट है।
अगर वो कंपनी के फेवर में नहीं होगा तो आपकी कंपनी जो है ठीक तरीके से चल नहीं पाएगी। तो पब्लिक्स और कस्टमर्स को आप एक ही तरह का समझ सकते हो, बट पब्लिक्स आर मोर लाइक इन्फ्लुएंसिंग पार्ट। कस्टमर्स को तो चलो आप प्रोडक्ट जैसा बनाओगे वैसा उनका रिव्यू आएगा, बट पब्लिक जो है वो डायरेक्टली आपके कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है, दिस कैन इंक्लूड द मीडिया, गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कंज्यूमर एडवोकेसी, ठीक है, एडवोकेसी ग्रुप्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे लोग जो कि कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, सपोज आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा निकल गया जिसमें जो है हार्मफुल है आपके कस्टमर्स के लिए, तो वो क्या करेंगे, कस्टमर्स के बिहाफ में आपके कंपनी के ऊपर केस कर देंगे। तो उनके साथ अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट टैक्स जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कई बार आपके इंस्टीट्यूशंस पे आकर के आपको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपका आपका जो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो कैसा है। मीडिया आपके प्रोडक्ट को समटाइम्स कवरेज करती है ना, कि आपका प्रोडक्ट कैसा, आपने टीवी में बहुत सारा बाबा रामदेव का एड वगैरह देखा होगा। इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी। पब्लिक्स में वो ग्रुप्स आ जाएंगे जो कि बिजनेस के एक्टिविटीज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बाई डूइंग वेरियस थिंग्स, जैसे कि हमारा टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक वगैरह हो गया, कंज्यूमर एडवोकेसी जो ग्रुप्स हो गए, है ना, जो कि कंज्यूमर के हक की बात करते हैं, है ना, उनके साथ भी आपका रिलेशन बढ़िया होना बहुत जरूरी है। पब्लिक ओपिनियन, परसेप्शन एंड रिएक्शंस कैन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड ब्रांड रेपुटेशन। अब ये लोग जो है थोड़े से पावरफुल होते हैं, तो इनके मुंह से जो बात निकलेगी, इनका जो पब्लिक ओपिनियन बनेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा होल पब्लिक को, है ना। तो पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, परसेप्शन होता है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, उनका जो रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी आपका ब्रांड एक रेपुटेटेड ब्रांड बन पाता है। अगर पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, माउथ टू माउथ अगर एक तरीके से उसकी अगर एड नहीं होगा, तो फिर जो है बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इनको एक तरीके से रखना ठीक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एफ नंबर पॉइंट है इंटरनल फैक्टर्स। नाउ दीज फैक्टर्स इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज, कल्चर, मिशन, विजन एंड रिसोर्सेज। तो ये कम्प्लीटली जो है बिजनेस के अंदर की बात हो गई, जिसमें एम्प्लॉइज आ गए, कल्चर आ गया, मिशन आ गया कि बिजनेस का क्या मिशन है, क्या विजन है, वो आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें जो है वो भी माइक्रो एनवायरमेंट का हिस्सा है जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजन सच एज ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। ये सारी चीजें तो है ही, ठीक है। द माइक्रो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग प्रोसेस बाय शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रीच एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये स्टेक होल्डर्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे लोगों को एक तरीके से इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखना, बढ़िया एक तरह से एक जो है एम्बियंस क्रिएट करना, एक माहौल अच्छा क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो है इस चीज में काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट पे, जो बड़ा एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है ना, इसके बारे में अब आप थोड़ा बात कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रीड नहीं कर रहा, मैं पॉइंट्स पे डायरेक्टली जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो इनके कारण भी इन्फ्लुएंस होता है। सपोज कि आपके बिजनेस, आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा लग्जरियस है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली प्रीमियम प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइसेस ज्यादा होगी। पर जिस लोकेलिटी में आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे लोगों का इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। बिहार ले लीजिए, लो इनकम ग्रुप का स्टेट है, या किसी और स्टेट को ले लीजिए जहाँ पे इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे अगर आप किसी प्रीमियम चीज को बेचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां के लोगों का इनकम ही वैसा नहीं है, है ना। आपका प्रोडक्ट एज को लेकर के भी वैरी करता है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लिए है। अगर कोई खिलौना है तो डेफिनेटली वो बच्चों के लिए होगा, कोई अगर लैपटॉप है या कुछ अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो वो बड़े लोगों के लिए होगा। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह भी जो है बनानी पड़ती है। वही बात यहाँ पे बोली गई है, पॉपुलेशन साइज है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज, इन सब के ऊपर जो है, इन सब फैक्टर्स का, जेंडर, इनकम, इन सब का असर पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स, है ना। आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स जो है हमारे इंडिया में जो उनकी प्राइसेस हैं वो बहुत उन लोगों ने कम कर दी हैं। एक महीने के लिए वो लोग 149 रुपीज चार्ज करते हैं फोन के लिए, लेकिन अगर आप यूएस में हैं
अगर आप यूएस में यूज कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को, तकरीबन आपको उसी 150 रुपए की जगह पे हजार हजार रुपए देने पड़ेंगे हर मंथ के, ठीक है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वो लोग यहाँ के हिसाब से जो है अपने प्लान्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी डेमोग्राफी होती है, जो भी जगह होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको प्लान्स वगैरह बनानी होती है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ये भी उसी तरीके का होगा। हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग जीडीपी, जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस कितने ज्यादा है, महंगाई अगर दर ज्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम प्रोडक्ट को लोग तभी लेते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं, है ना। जो एसेंशियल चीजें हैं वो लोग पहले लेना पसंद करते हैं। तो इन्फ्लेशन के कारण अगर एसेंशियल चीजों की कीमत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली लोग प्रीमियम चीजें लेने से बचेंगे, है ना। जैसे कि चाय का कोई ब्रांड ले लो, अब चाय के बहुत सारे ब्रांड है, बट चाय का अगर कोई बेहतरीन सा ब्रांड ले लें जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास अगर पैसे ना हो, चीजों के दाम अगर बढ़े हुए हो, तो डेफिनेटली वो लोग प्रीमियम चाय नहीं पियेंगे, वो लोग नॉर्मल आसाम वाला चाय ही पियेंगे, दार्जिलिंग वाला चाय नहीं पियेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत हद तक जो है बिजनेस की एक्टिविटीज को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूडिंग जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर एंड परचेजिंग बिहेवियर, है ना। परचेजिंग पावर मैंने बताया था पहले आपको, उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो मैंने बताया था, उस उन सब चीजों का असर जो है एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर पड़ता है। और आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग तैयार करनी होगी, ठीक है ना। तैयार तो करनी इकोनॉमिक होती है। फैक्टर्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सी नंबर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी में अगर अगर एडवांसमेंट होगा, अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट अगर आप कम टाइम में बना पाएंगे, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन हो कि आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं। तो वो अगर आपके पास है, अगर आप इनोवेशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो भी आप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, या फिर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो भी आप कह लें, इन सब के ऊपर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का और इनोवेशन का असर पड़ता है। अभी के टाइम पे आपने सुना होगा चैटबॉट कंपनीज ने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको किसी से कॉल करके करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई वेबसाइट ऑन करेंगे तो वहां पे आपको चैटबॉट दिख जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, इनोवेशन ही है। अभी के टाइम पे एक ऐप लॉन्च, एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है एआई का, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। मतलब वो जो इस तरीके से आपसे बात करेगा जैसे कि लगेगा जैसे कि कोई इम्प्लॉय ही आपसे बात कर रहा है। अभी जैसे टेस्ला का वो था, आई गेस एक्स कुछ नाम था, वो अपने कस्टमर से इस तरीके से बात कर रहा था जैसे वो खुद एक पर्सन हो और उसके कंज्यूमर प्रेफरेंस को, उसके जो बाइंग हैबिट्स है वो जानकारी उससे जो है ले रहा है, और वो कोई आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन है जो कि उससे बात कर रहा है। तो इस तरह की जो एक तरीके से इनोवेशन होते हैं, एडवांसमेंट होते हैं, इसका असर जो है बिजनेस की स्ट्रेटेजीज के ऊपर पड़ता है, इन सब चीजों के ऊपर पड़ता है ना। और ये चीजें जो है आपको जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है मार्केट में, उसमें अगर आपको सरवाइव करना है तो ये सारी चीजों के ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ये भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है किसी भी कंट्री की, वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। आपके मार्केटिंग ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करती है, वही बात बोली गई है। लीगल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएंगी, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड और एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन आ जाएंगी। ये वो सारी चीजें हैं जो कि लीगल फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को, उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये तो काफी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, जो उसका जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस सोशल ताने बाने में वो रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को होना जरूरी है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को किसी सोसाइटी में बेचेंगे जहां पर उस प्रोडक्ट का यूज नहीं है, किसी ने कभी आज तक यूज नहीं किया, तो हो सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ कुछ लोग उसको खरीद लें, बट लॉन्ग टर्म में वो चल नहीं पाएगा। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करती हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इनकम पासेस, सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, लाइफस्टाइल्स, कल्चरल नॉर्म्स दैट शेप कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, है ना। किसी भी बंदे का एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसे क्या पहनना पसंद है, फुल पैंट पहनना पसंद है, कुर्ता पजामा पहनना पसंद है,
औरतों में किसी को साड़ियां पहनना पसंद है या कुछ भी, तो आपको वो सारी चीजें जो है समझनी होंगी। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्रोडक्ट के जो भी आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको आपको क्रिएट करना होगा, है ना। कंज्यूमर का जरूर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस ब्ला ब्ला, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग इन डाइवर्स मार्केट्स, है ना। कल्चरल जो डिफरेंसेस है बिल्कुल उसको समझना इंपॉर्टेंट है डाइवर्स मार्केट में खुद को एक तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए, खुद को एक तरीके से एक्सपैंड करने के लिए अपने बिजनेस को। थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। नाउ ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये भी मैंने पहले कराया हुआ था आपको, है ना। तो जिसके पास पैसे होते हैं वो लोग थोड़ा इको फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, है ना। तो वो चीजें जो है करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपको पता है कि आप किसी पॉश इलाके में आपके बिजनेस है, सपोज आप मुंबई में किसी पॉश इलाके में आपका जो है बिजनेस है, आप किसी पॉश इलाके में अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप इको फ्रेंडली चीजें अगर आप प्रमोट करेंगे तो लोग वहां पे खरीदेंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है जगह के अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए, आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसको ध्यान में रख करके होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इको फ्रेंडली वीगन होने की बात कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की कि वो लोग प्लांट प्रोटीन के ऊपर ज्यादा ज्यादा उसका यूज करें, ना कि एनिमल प्रोटीन का यूज करें। उससे एनिमल के उसके साथ जो क्रुएलिटी होती है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, और जो कार्बन एमिशन होता है उसको भी बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर के भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं, और उसके उसी को एक तरीके से मुद्दा बना करके वो लोग मार्केटिंग भी करती हैं। हालांकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जब हम लोग ध्यान देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि अगर आपके लोग उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए, पर जहां पे नहीं कर सकते वहां पे आप ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है आप नहीं सेल कर सकते हैं। तो ये वो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडैप्ट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू रिफ्लेक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, है ना। देखो अभी के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद को एक तरीके से ऐसी स्ट्रेटजीज बना रही है ताकि वो खुद को ऐसे दिखा सके कि वो उनको इन्वायरमेंट की काफी ज्यादा चिंता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है, वो बस दिखावे का होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, ईवी की बात हो रही है बहुत ज्यादा कि ईवी जो है बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको स्टडी किया जाए तो उसको बनाने के लिए जो जिस बैटरी का इस्तेमाल होगा या उसको रिचार्जिंग स्टेशन पे जो चीजें लगाई जाएंगी उसमें बहुत हद तक कार्बन एमिशन जो है होगा, तो ऐसा नहीं है कि रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। बस वही है, लेकिन कार्बन एमिशन वहां पे भी होगा। यस, नाउ द मैक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एंड शेपिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड्स, अडैप्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वही सारी बात है जो माइक्रो एनवायरनमेंट में मैंने बोली थी। ये सिर्फ इतना है कि ये जो है आपके कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, और मैक्रो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगी आपको जो अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, कंक्लूड कर देते हैं। सो इन कंक्लूजन, बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो कंपोनेंट्स हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द मार्केटिंग प्रोसेस। व्हाइल द माइक्रो एनवायरनमेंट फोकसेस ऑन इमीडिएट स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिडर्स ब्रॉडर सोसाइटल फोर्सेस, जैसा कि मैंने बता रहा था। अंडरस्टैंडिंग एंड अडैप्टिंग दीज एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट्स इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई टारगेट एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स वाइल नेविगेटिंग द डायनेमिक मार्केट कंडीशंस, है ना। तो इनको अंडरस्टैंड करके समझना, इनको इसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना बहुत जरूरी है। आप इसको अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे ठीक तरीके से, अपने बिजनेस अपने कंज्यूमर्स को टारगेट कर पाएंगे, कंज्यूमर के नीड्स को अगर आप सेटिस्फाई कर पाएंगे रिगार्डिंग जो भी मैंने टॉपिक्स बताई हैं, तो डेफिनेटली उनका जो भरोसा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ेगा, और आपके मार्केट मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत ही डायनेमिक होता है। वो भी यहाँ पे बोला है कि बहुत ही डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है। आज एक व्यक्ति अगर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, हो सकता है वो कल आपके प्रोडक्ट को ना खरीद करके आपका जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसको खरीदे, उसको चेक करने के लिए कि वो कैसा है। अब जो बेहतर होगा उसी को वो लोग यूज करेंगे। जो कंज्यूमर की नीड्स है उसकी जो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका फायदा जो है कस्टमर्स को मिले, और कस्टमर का भरोसा जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़े और वो लोग उसी चीज को खरीदें, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, सो खत्म करते हैं। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं।
सर मेरे को ये बुझाना था, वो मतलब मैं बोल रहा था कि जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, उसको कौन सा सेमेस्टर से था? वैसे तो उस पर लिखा हुआ है, जैसे MCO 06 लिखा है, तो मेरे को उसमें ना सेमेस्टर वाइज आपको वो कर दो कि ये इस सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, और उसमें ना ये सब्जेक्ट है, तो मैं इसको सर राइट डाउन करूंगा, ये क्वेश्चन जो आपने लिखा है पढ़ाया ना हमको, उसको हम राइट डाउन ओके करेंगे और फिर उसको रिविजन करेंगे। ठीक है, जब मैं सेंड करूंगा तो मैं सेमेस्टर और जो कोर्स का नाम है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला ऑब्जेक्शन हमने पढ़ा ना, उसका भी सर ठीक है, ठीक है, लास्ट श्योर वाला, श्योर श्योर, मतलब अभी तक। ओके ओके, जरूर जरूर मैं कर देता हूँ डोंट वरी। जी ठीक है देन, फिर शाम में मिलते हैं। यस यस सर, थैंक ओके यू सर, गाइस, थैंक ओके ओके आकांक्षा, यू आप सर। कुछ कह नहीं रही हैं? ऑल ओके,